लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीएसटी स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर ओवर हुआ था, देखा था हम लोगों ने सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है। सीएसटी चार्ज होता है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में, इंटर स्टेट सेल्स के केस में, पक्की बात है। और इंटर स्टेट सेल्स जब होता है उसको हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से सामान का मूवमेंट होता है सेल पे, किस पे? सेल पे। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। अच्छा, ये राइट किस एंट्री के तहत मिला था? 92A। कौन सी लिस्ट आती है ये? यूनियन लिस्ट। किसको पावर मिला हुआ है सीएसटी के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट। हम लोगों ने देखा था सेल होना चाहिए, सेल गुड्स का होना चाहिए, सेल होना चाहिए और सेल गुड्स का होना चाहिए, इंटर स्टेट सेल होनी चाहिए, कंसीडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए। और जब हम लोगों ने कंपलसरी सेल की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें एक लाइन और हम लोगों ने जोड़ दी थी, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। और हम उसके आगे बताने लगे थे कि कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, कंपलसरी सेल की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, दो लोगों का होना जरूरी है, बायर एंड सेलर का, सेल का होना जरूरी है इंटर स्टेट सेल, कंसीडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए, चाहे तो कैश के अगेंस्ट, चाहे तो डेफर्ड पेमेंट के अगेंस्ट, या फिर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। और आगे बोला गया था एंड इंक्लूड्स, और मैंने कहा था ये सेल कौन सी सेल है? डीम्ड सेल है, याद आया होगा। और हम लोग वहीं स्टॉप भी किए थे अपने लेक्चर को, याद आया ना। वापस आते हैं सेल की डेफिनीशन में, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था गुड्स। सेल की डेफिनीशन जहाँ दी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है, एक बार और देखते हैं, गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल, ऑल आर्टिकल्स, ऑल टाइप ऑफ कॉमोडिटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन गुड्स, क्लियर। बट डज नॉट इंक्लूड, तीन चीज़ें बताई थी, न्यूज़पेपर, एक्शनेबल क्लेम्स, स्टॉक एंड शेयर्स, क्लियर। ये हमारा गुड्स की डेफिनेशन से अलग किया गया था। और जब हम लोग ये देख रहे थे चार्जेस ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो उसमें एक और चीज हटाई गई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो गुड्स तो है लेकिन उसको यहां से एक्सेप्शन में डाला गया था, ठीक है ना। सेल की डेफिनेशन पर आते हैं जहां हम लोग थे। सेल, सेल मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, सेल मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट्स और अगेंस्ट द वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स। ऊपर जो अब तक डेफिनेशन बताई गई थी एंड इंक्लूड्स के ऊपर, वो आपकी कंपलसरी सेल थी जो कन्वेंशनल डेफिनेशंस में आती है, जो किस में आती है, एक पेज आगे देखें तो लिखा होगा कन्वेंशनल डेफिनेशन, और जो ऊपर एंड इंक्लूड्स के ऊपर लिखा है वो कन्वेंशनल डेफिनेशन है सेल की। उसमें हमें दिया हुआ है देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बोला था, बायर एंड सेलर बता दिया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स होना चाहिए बता दिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड और कंसिडरेशन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सी एस टी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसमें डेफिनेशन में इंटरेस्ट स्टेट जोड़ दिया, अदरवाइज सेल की डेफिनेशन में इंटरेस्ट स्टेट वर्ड जो होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग चूंकि सी एस टी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड क्या जोड़ दिया, इंटरेस्ट स्टेट सेल, क्लियर है, ताकि हम लोग इंटरेस्ट स्टेट सेल की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकें। ये डीम्ड सेल क्या है? मैंने कहा देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो भी सेल मानी जाएगी, ये आपका पहला पॉइंट है एंड इंक्लूड्स में, अदरवाइज देन अ कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ है वर्ड, लिखा हुआ है, अ ट्रांसफर अदरवाइज देन इन पर्सुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी गुड्स फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट्स और एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, लिखा है नहीं लिखा है, लिखा है।
और ज़रा देखें पेज नंबर 1.87 में कंपलसरी सेल की एक हेडिंग दी होगी, आए ना, पक्की बात है? ये उसी को डिफाइन कर रहा है जो हम लोगों ने अभी पॉइंट नंबर वन पढ़ा, ये उसी को डिफाइन कर रहा है जो अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर वन पढ़ा। बिना कॉन्ट्रैक्ट के अगर कोई सेल होती है तो भी वो सेल मान ली जाएगी, जरूरी नहीं कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। लेकिन देखें, दिस कवर्स अ सेल वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ओके, दो पार्टीज के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बावजूद इसके ये सेल मानी जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन एंड इंक्लूड्स। क्लियर है? वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज दैट देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर एंड म्यूचुअल कंसेंट शुड बी देयर। दिया हुआ है ना? हाँ है ना? हैंस द कंपल्सरिली सेल वुड नॉट हैव बीन अदरवाइज अ टैक्सेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो टैक्सेबल होगी नहीं सेल, अगर एग्रीमेंट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो सेल होगी नहीं। लेकिन आगे लिखा है कॉमा करके, बट फॉर दिस क्लॉज। ओ हो, कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो तो भी वो सेल मान ली जाएगी, कॉमा करके बट फॉर दिस क्लॉज, इसको हटाओ अब, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी सेल हो जाएगी। दिस क्लॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेल मेक सेल्स टैक्स पेबल ऑन अ सेल वेयर देर इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वेयर गुड्स आर कंट्रोल्ड कॉमोडिटी। इन केस ऑफ अ कंट्रोल्ड कॉमोडिटी देर इज नो म्यूचुअल कंसेंट। गवर्नमेंट ने कहा शुगर मिल्स को, गन्ने आपको खरीदने ही खरीदने हैं, किसानों को कह दिया आप गन्ने के खेत से गन्ना काट करके शुगर मिल के बाहर खड़ा कर देंगे, वो लोग आपसे लेंगे ही लेंगे। किसानों को बोल दिया धान काट करके चावल निकलता है ना, हाँ, तो चावल को गोदाम में ले जाएंगे और गोदाम के सामने रख देंगे, वो खरीदेगा ही खरीदेगा, मजबूरी है, कंट्रोल्ड प्राइस पर, जिसको हम लोग समर्थन मूल्य कहते हैं, उस पर खरीदेगा ही खरीदेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट और सेलर के बीच में? नहीं है, जियो है ना, जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जियो और जीने दो वाला नहीं, जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर्स लिखा हुआ है यहाँ पे साहब साहब, है ना? तो ये सेल है, ये भी सेल है। फिर से पढ़ते हैं, दिस क्लॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेल्स मेक सेल्स टैक्स पेबल ऑन अ सेल वेयर देर इज अ कंपल्सरीली ट्रांसफर अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वेयर गुड्स आर अ कंट्रोल्ड कॉमोडिटी। इन केस ऑफ अ कंट्रोल्ड कॉमोडिटी देर इज नो म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। द सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सेल द गुड्स। सेलर को तो बेटा सेल करना ही करना है मजबूरी में, ऑन द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज ऑफ द कंट्रोल्ड प्राइसेस। चीनी मिलों को कहा जो भी चीनी बनेगी ना मेरे बच्चे को 50 रुपये में खिलाना, 60 रुपये मत बेचना। गवर्नमेंट ने कहा कि मेरी जनता को 50 रुपये में बेचना, कितने में बेचना? जनता को ना बेचना, जनता को चीनी बेचना, जनता को चीनी 50 रुपये में बेचना, कितने रुपये में? 60 में नहीं बेच सकते, उसकी लागत आ रही है सेल वैल्यू नॉर्मल 60 रुपये, गवर्नमेंट ने कहा 50, अब उसको 10 रुपये कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट से मिलेगा, हाँ है ना? तो यहाँ पर आप खरीद रहे हो, सामने वाला बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपये में नहीं है, 50 रुपये में है और जियो के अगेंस्ट है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बावजूद इसके ये सेल माना जाएगा। क्लियर है? चलो पहला हो गया एंड इंक्लूड्स, वापस आओ सेल वाली डेफिनेशन पे। दूसरा पॉइंट, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स वेदर एज गुड्स और इन एनी सम अदर फॉर्म इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ओहो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे सेल की डेफिनेशन में आते हैं। कौन सी चीजें? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं था परचेस सेल का तो भी वो सेल माना गया, कोई कंपल्सरीली वो रिक्वायरमेंट नहीं है, कन्वेंशनल डेफिनेशन में था कि देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, लेकिन हम लोगों ने देखा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होने पर भी हम लोगों ने उसको सेल माना, डीम्ड सेल। ये दूसरा पॉइंट है डीम्ड सेल का, कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी आप सेल मानते हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी आप सेल मानते हो। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मैंने डेफिनेशन तुम लोग को बता दिया था कि तुम लोग अपनी मोटरसाइकिल ओवरहॉलिंग करवाने मेरे पास आए और मैंने मोटरसाइकिल को ओवरहॉल करके दिया, लेकिन उसमें जितनी भी चीज़ें लगनी थी, मोबिल लगना था, मैंने मोबिल लगाया। सोचो मैं मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, हाँ सोचोगे जरूर, अपना सोचो क्या होगा। तो मैं मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, तुमने कहा सर मोबिल डालिए, सोचो क्या बोला, सर मोबिल डालिए, मैंने मोबिल डाला, तुमने कहा सर ये नेट पेचकस कस दिया, बड़ी खुशी मिल रही है बेटा।
सारी इच्छाएं पूरी हो रही है कि सर हम लोग को कितना डांटते हैं, आज हम लोग को मौका मिल रहा है, चिंता मत करो अभी मौका दे रहे हैं। सुन लो, तो मैंने चेंज कर दिया। ये ओवरऑलिंग के केस में जो मैंने 500 रुपये का सामान लगाया, क्या मैं पैसा न लूँ? तुमने ओवरऑलिंग के लिए कहा, मैंने अगर मोबिल डाल दिया तो बाद में कहोगे सर मोबिल निकाल लीजिए, पॉसिबल नहीं है। तो वो तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। देखो तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पेज नंबर 1.88 पर पहले उसको देख लेते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। ये देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, फिर से देख लेते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, हाँ किसी काम को करना, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है असेंबलिंग, कंप्यूटर को असेंबल करना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेकर के कंप्यूटर बना लिया, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, चिप, ये सब लेकर के क्या बना दिया, कंप्यूटर बना दिया। कंस्ट्रक्शन का काम करना, बिल्डिंग, एल्टरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, फैब्रिकेटिंग, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, रिपेयर और कमीशनिंग ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। हो सर 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 सर, गुड्स का मतलब आपने कहा था ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है। मैंने पेंटर को बुलाया, मैंने कहा पेंटर दिहाड़ी कितना लेगा, एक दिन का वेजेस कितना लेगा? उसने कहा 300 रुपये लेंगे माई बाप। क्या बोला? मैंने कहा पेंट मेरा रहेगा, पैंट नहीं पेंट, पेंट मेरा रहेगा, उसको लगाना। उसने कहा ठीक है, सुन तो लो। उसने क्या कहा, ठीक है, मैंने सामान खरीदा मार्केट से और उसको पेंट दे दिया, उसने लगाया दिन भर, शाम को मजदूरी ले गया। क्या उस आदमी के साथ मेरा कोई सेल हुआ जो दिन भर की मजदूरी ले रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैंने उसको कहा इस पूरे कमरे को पेंट करना है, पेंट लाना तेरा काम है, करके हमको देना काम है तेरा, मैं कुछ खरीदने वरीदने नहीं जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, दिन का अपना जोड़ा मजूरी, जितना सामान मार्केट से आ सकता है वो जोड़ा, और हमको रेट बता दिया। अब बताओ शाम को जब वो पैसा लेगा हमसे, तो केवल मजदूरी लेगा या पेंट का भी पैसा लेगा? है ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट? मैं कहूँगा नहीं नहीं महंगा है, निकाल लो पेंट, उतार लो, पॉसिबल नहीं है। अब क्लियर है, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अटैच हो गया, नहीं हुआ। मोटरसाइकिल में अटैच हुआ तो मूवेबल प्रॉपर्टी में अल्टरेशन, रिपेयर, इंप्रूवमेंट का काम हुआ। बिल्डिंग में अटैच हो गया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेल तो हुई ना, है ना, ये है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? वापस आते हैं सेल के डेफिनेशन में, पॉइंट नंबर 2 पर, डीम्ड सेल पे। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन्वॉल्वड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, अ डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज और एनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ रखा है अकाउंट्स में हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हायर परचेज सिस्टम में मेरे पास तुम आए, तुमने कहा सर ये टीवी चाहिए, मैंने कहा 50,000 की है, तुमने कहा सर इंस्टॉलमेंट में बना दीजिए, मैंने कहा ठीक है 3,000 की किस्तें देते रहना, 15 किस्त दे देना, नहीं सस्ती हो जाएगी, 18 किस्त दे देना, ठीक है 54,000। तुमने कहा ठीक है, तो अब जो पेमेंट तुम दोगे हमको उसमें इंटरेस्ट प्लस टीवी का दाम दोनों जुड़ा रहेगा, बेसिक अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ा रहेगा, पक्की बात है। क्या ये सेल हो गई मैंने अगर टीवी तुमको दी तो? मैंने हायर परचेज बेसिस पर तुमको टीवी दी है, ओनरशिप मैंने तुमको ट्रांसफ़र नहीं की है, क्या ये सेल हो गई टीवी? हाँ सेल हो गई, मूवमेंट हुआ सेल हो गई, इसीलिए इसको कहा गया डीम्ड सेल। नहीं तो तुम कहते कि ये सेल कब होगी, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हमको मिलेगी 1.5 साल बाद। अरे ऐसे कैसे, सेल हो गई जैसे ही मैंने हायर परचेस का एग्रीमेंट आपके साथ किया, सेल हो गई, इसीलिए डीम्ड सेल की डेफिनेशन में जोड़ी गई है, ताकि लोग ये प्ली ना दे सकें कि ये सेल तो है ही नहीं, ओनरशिप तो अभी मेरे पास ही है, हमने तो कोई सामान दिया है, किस्त ले रहे हैं, जब सारी किस्त आ जाएंगी तो सेल होगी। ना 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 ना, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, एज एंड व्हेन द एग्रीमेंट इज देयर ऑफ हायर परचेज द सेल हैज़ बीन डन और मेड। क्लियर है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट में जैसे ही सामान जाता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है, सेल हो जाता है, टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाता है, यही तो पढ़े हो, तो चाहे कोई भी मेथड हो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, हायर परचेज का, वो सेल मान ली जाएगी। अगला देखें, तो हम लोगों ने पहला देखा कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो भी सेल मान ली जाएगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी सेल मान ली जाएगी, और अगर हायर परचेज पर हो तो भी वो सेल मान ली जाएगी। नेक्स्ट देखें लीज, उसको मैंने अंडरलाइन करवाया था शायद, अ ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज। तो राइट टू यूज ऑफ एनी गुड्स, अंडरलाइन कर लें उसको और लिख लें एक कीवर्ड लीज। ये लीज के बारे में बोल रहा है, लीज फाइनेंसिंग,
लीज अकाउंटिंग तुम लोग पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, किसके क्या पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, और उसमें पढ़ोगे दो तरह की लीज होती हैं, और उसमें पढ़ोगे दो तरह की लीज होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग लीज और एक को कहते हैं फाइनेंसिंग लीज। कैलकुलेटर देना, ये कैलकुलेटर है, इसकी लाइफ कितनी है, कितने साल चलाओगी? नहीं तुम्हारी बात नहीं, तुम तो शायद शाम तक ख़त्म कर दो। हाँ बताओ बाबू, 2 साल चलाएगी बच्ची। कह रही ये इस कैलकुलेटर की लाइफ है 2 साल। तुम लोग को क्यों घबराहट हो रही है, 2 साल वो चलाएगी? तुम लोग अपने कैलकुलेटर पर नज़र रखो, दूसरे के कैलकुलेटर पर क्यों नज़र गाड़े हुए हो? ये 2 साल चलेगा, इसके हिसाब से चल सकता है। 2 साल ये कैलकुलेटर चलेगा, मान लेते हैं 5 साल मेरे हिसाब से, 5 साल कैलकुलेटर चलेगा। ये मेरा कैलकुलेटर है, ये आया कर रहा है कि सर जी हमको कैलकुलेटर किराए पर चाहिए, यूज़ करना है कैलकुलेटर। मैंने कहा ठीक है ये ले लो कैलकुलेटर। मैंने कहा कितने समय दिन में दोगे? कहा 4 साल बाद देंगे। कितने साल बाद? अब 4 साल बाद मेरे लायक बचेगा कहाँ कैलकुलेटर, मैं यूज़ करूँगा ना के बराबर। मैक्सिमम लाइफ कैलकुलेटर की इसने यूज़ कर ली, इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंस लीज। क्या कहते हैं? चलो ठीक, कैलकुलेटर कितने का था? 300 रुपये का। इसने कहा कैलकुलेटर चाहिए, दूसरे केस पर आते हैं। मैंने कहा कितने साल के लिए? इसने कहा 2 साल के लिए। तो अभी भी मेरे पास 3 साल बचेगा उसके बाद। मैंने इससे कहा किराया लगेगा, कहा कितना? मैंने कहा 150 रुपये पर एनम, 140 रुपये पर साल, यानी 2 साल का मैं कितना ले लूँगा? तो कैलकुलेटर की मैक्सिमम कीमत मैंने वसूल कर ली या नहीं? पहले केस में मैंने मैक्सिमम लाइफ दे दी थी, दूसरे केस में भले मैक्सिमम लाइफ नहीं दी, मैक्सिमम कीमत वसूल ली। हाँ या ना? यहाँ इसने कहा कि सर 100 रुपये के हिसाब से हम देंगे या 80 रुपये के हिसाब से देंगे, 160 रुपये होता है, क्या मैक्सिमम कीमत मैंने वसूली? नहीं। लेकिन इसने कहा, इतना इसने अश्योर किया कि जैसे ही 2 साल खत्म होगा सर, तीसरे साल के शुरू में मैं आपका कैलकुलेटर 200 रुपये में खरीद लूँगा। कितने रुपये में? तीसरे साल के शुरू में ये कैलकुलेटर 200 रुपये में खरीद लेगा हमसे, इतना एश्योरेंस इसने दे दिया। सेल हो गया ना एक तरह से, जो भी केस मैंने बताया, क्या ये डीम्ड सेल नहीं लग रहा है? पहला केस मैक्सिमम लाइफ तो ले लिया, मैक्सिमम लाइफ यूज कर लिया। दूसरा केस मैक्सिमम अमाउंट रिकवर हो गया। तीसरा केस तीसरे साल खरीद लेगा। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है जिससे ये पता चले कि एसेट्स की मैक्सिमम लाइफ, एसेट की मैक्सिमम कॉस्ट, या एसेट्स को सामने वाला परचेस कर लेगा, यानी कि एसेट्स से रिलेटेड द इंसिडेंटल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द रिलेटेड एसेट्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब बेटा इस 2 साल में इस कैलकुलेटर से जितना यूज कर सकते हो, कमा सकते हो कमाओ, या यूज कर सकते हो यूज करो। एक तरह से सेल ही तो है, एक तरह से सेल ही तो है, नहीं है? उसको भी शामिल किया गया डीम्ड सेल में। पहली डीम्ड सेल थी कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो भी, दूसरी डीम्ड सेल थी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो भी, तीसरी डीम्ड सेल थी हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट का केस, फोर्थ डीम्ड सेल थी लीज एग्रीमेंट। और यहाँ पर हम केवल किस तरह की लीज की बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग? फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग लीज तो ये है, आज ले जाएगा परसों दे देगा, 10 रुपये किराया दे देगा, ये ऑपरेटिंग लीज है। उसके बाद वो आएगा 5 रुपये देगा, एक दिन यूज़ करेगा फिर वापस कर जाएगा, वो आएगा 6 महीना यूज़ करेगा कैलकुलेटर को, 6 महीने का किराया दे जाएगा, बात खत्म। इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लीज। अंतर समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पर किस तरह को सेल मानेंगे? फाइनेंसिंग लीज को हम लोग सेल मानेंगे, डीम्ड सेल में आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लाइफ, मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम कॉस्ट, या एट द एंड ऑफ द लीज टर्म द लेजी हैज गिवन एन एश्योरेंस टू परचेज और बाय द लीज्ड एसेट्स। क्लियर है? तो उसको हम लोग डीम्ड सेल में शामिल करते हैं। नेक्स्ट देखें, और ये आपका तैयार हो गया, यहाँ देखें लिखा हुआ है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में, पूरा पेज नंबर दिया है 1.89 पर, देख सकते हैं, बकायदा डिफाइन किया है ऑपरेटिंग लीज क्या होती है और फाइनेंसिंग लीज क्या होती है। ठीक, वापस आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 पर। अ सप्लाई ऑफ गुड्स
बाई एनी अन इनकॉर्पोरेटेड, अगर कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है तो दो डिफरेंट पर्सन मान लिए जाते हैं, कंपनी और उसके मेंबर्स का अस्तित्व अलग अलग होता है, बोथ हैव देयर डिफरेंट आइडेंटिटी, जानते हो ना। अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, अकाउंट्स की बात मत करो, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ हैव देयर ओन आइडेंटिटी, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम नॉर्मल एक केस की बात कर रहे हैं, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेंबरशिप, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उसके मेंबरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो कहा गया अगर कोई अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है और उसको चलाने वाले मेंबर्स हैं, क्या हैं, मेंबर्स हैं, तो दोनों को आप अलग तो कर नहीं सकते, वो एक ही मानते हो आप, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड और उसके मेंबर्स दोनों को अलग माना जाता है, लेकिन अन इनकॉर्पोरेटेड और उसके मेंबर्स को अलग कहां से मानोगे, नहीं मान सकते। तो अगर कोई अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई सामान सेल करता है तो क्या सेल हो गया, क्या सेल हो गया, क्या कोई आदमी अपने आप को सेल कर सकता है, अपने आप को सामान सेल कर सकता है, नहीं कर सकता, ये तो पहले ही दिन बताया था, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट पार्टीज, सेलर अलग होना चाहिए, बायर अलग होना चाहिए। एक अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सामान सेल कर रहा है तो दोनों तो एक ही मानते हो नॉर्मली, लेकिन कहा गया ना ये डीम्ड सेल है, उस सेल को सेल माना जाएगा, आप ये प्ली नहीं ले सकते कि सेल हुई नहीं, सेल हो गई, आप भले ही अपने मेंबर्स को सामान सेल कर रहे हो, आप भले ही अनइनकॉर्पोरेटेड हो, आप भले ही अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर आप सामान सेल कर रहे हो तो ये सेल है, आप ये प्ली नहीं ले सकते कि हम अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या अनऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, तो हम दोनों में तो कोई फर्क है ही नहीं, सेल तो हुई नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्लियर है, वो सेल मान ली जाएगी। तो अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एनी अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट्स और अगेंस्ट द वैल्यूएबल कंसिडरेशन, हम लोगों ने अभी तक कितने केस देख लिए, फर्स्ट केस डीम्ड सेल में देखा था, अदर देन कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लीज, हायर परचेज और मेंबर्स, क्लियर है। लास्ट देख लें, बोलो, देखें ना देखें, अ सप्लाई बाई वे ऑफ, अ सप्लाई बाई वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस, अच्छा सर्विस को अंडरलाइन कर लें, तो पार्ट ऑफ द सर्विस और एनी अदर मैनर व्हाट सेवर ऑफ गुड्स, किसी भी तरह से गुड्स जाए, बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप होटल में गए, आपने कहा होटल वाला रेस्टोरेंट वाला क्या देता है, आपको सर्विस देता है या सामान बेचता है, सर्विस देता है या सामान बेचता है, रेस्टोरेंट वाला आपको सर्विस देता है या सामान बेचता है, दिनशॉ आइसक्रीम वाला आपको सामान बेचता है या सर्विस देता है, नेस्कैफे कॉफी शॉप वाला आपको सामान बेचता है, कॉफी बेचता है या सर्विस देता है, ये उसी के लिए है। वो ये नहीं कह सकता हम तो केवल सर्विस दी, ना भाई, सर्विस के साथ साथ सामान भी दिया, भले ही डोमिनेंट फैक्टर सर्विस देना है, पिज्जा हट वाला आपको मेन पिज्जा देता है, पिज्जा बन करके बाहर से आता है, वो केवल आपको गर्म करके दे देता है, सर्विस देता है, उसमें कुछ जोड़ता घटाता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सेल, वो केवल सर्विस आपको करता है, केवल बीच में मीडिएटर काम करता है, गलत, वो सामान भी सेल कर रहा होता है। चलें, अ सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक वेदर और नॉट इंटॉक्सिकेटिंग Where such supply or service is for cash, underline कर ले, supply और service, हम दोनों की बात कर रहे हैं, supply और service,
इज फॉर कैश डोमिनेटिंग कोई भी हो सकता है, सप्लाई करना डोमिनेटिंग हो सकता है, सर्विस सेकेंडरी हो सकता है, सर्विस डोमिनेटिंग हो सकता है, सप्लाई आपका सेकेंडरी हो सकता है, सप्लाई और सर्विस फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये सारे के सारे मेरे क्या माने जाएंगे? डीम्ड सेल। अब क्लियर है? कितने बताए डीम्ड सेल? 6। बट डज नॉट इंक्लूड अ मोर्गेज और हाइपोथिकेशन ऑफ और अ चार्ज और प्लीज ऑन गुड्स। मैंने ये फर्नीचर इसको बंधक रख दिया, इसको बंधक नहीं रखा, ये फर्नीचर इसको बंधक दे दिया, ठीक, कि मुझे लोन दे दो और ये फर्नीचर तुमको दे देता हूँ, यूज़ तो मैं ही करूँगा, अगर मैं पेमेंट ना कर पाऊँ लोन का तो तुम ये ले जाना, ये सामान तुम्हारा हो जाएगा। क्या ये सेल है? नहीं है। बैंक से लोन लेते हो, बिल्डिंग को गिरवी रख देते हो, क्या वो सेल हो जाता है बैंक को? तो वही तो मना किया है, बट डज नॉट इंक्लूड हाइपोथिकेशन और मोर्गेज, मना किया है, देखो ना। क्लियर हुआ? पक्का? एक बार खुद पढ़ें इसको पूरा। सेल की डेफिनेशन देख ली हम लोगों ने, गुड्स की डेफिनेशन देख ली। सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ की डेफिनेशन देखी थी? गुड्स की। गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल कॉमोडिटीज आर्टिकल थिंग और ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर एक्शनेबल क्लेम्स और शेयर्स और सिक्योरिटीज। क्लियर है? गुड्स की डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन देखी। सेल्स मीन्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर कैश फॉर डेफर्ड पेमेंट्स और अगेंस्ट एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स 6 चीज़ें डीम्ड सेल की। पहला, बिना कॉन्ट्रैक्ट के, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के, लीज, हायर परचेज, अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन टू मेंबर्स एंड लास्ट था। अब आते हैं हम लोग डीलर की डेफिनेशन देखते हैं। किसकी? डीलर की। ये जो ग्रे एरिया में दे रखा है ना, ये कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका वही है। डीम्ड सेल को डिफाइन किया है कि क्यों लाया गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट टू ब्रिंग ऑल दीज डीम्ड सेल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेल्स। पढ़ चुके हम लोग, ठीक है ना? तो क्या कर दो, काट डालो। देखो डीलर की डेफिनेशन, देखो डीलर की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। डीलर कौन होता है? कोई भी बंदा जो सेल करेगा वो डीलर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेल करती है सामान, हाँ क्यों नहीं करती है, सेल तो करती है, गवर्नमेंट को भी शामिल करो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, सबको शामिल करो, लोकल अथॉरिटी को भी शामिल करो, जो ऑक्शनियर होते हैं उनको भी शामिल करो, जो नीलामी का काम करते हैं क्या वो सेल नहीं करते, एजेंट जो बीच में एजेंट का काम करते हैं क्या वो सेल नहीं करते, बस यही तो हैं डीलर, यही तो हैं डीलर। जरा देखा जाए कौन कौन है। डीलर मीन्स एनी पर्सन, डीलर मीन्स कोई भी बंदा, हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ, जो कैरी करता है किस चीज़ का बिजनेस, किस चीज़ का, सेलिंग, बाइंग, सप्लाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, हाँ या ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे कैश से, डायरेक्टली का मतलब मेरा सामान मैं बेचूंगा, इनडायरेक्टली का मतलब बीच में एजेंट आ गया, ऑक्शनियर आ गया, गवर्नमेंट आ गई, दूसरा एसोसिएशन आ गया, किसी के थ्रू। डीलर मीन्स एनी पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, सप्लाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर कैश और फॉर डेफर्ड पेमेंट्स और फॉर कमीशन, रिमनरेशन और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स का मतलब डीम्ड डीलर हो गए ना, इनको भी डीलर मान, इनको भी डीलर क्या करो, मानो। अब तो समझ में आया।
अ लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट को नहीं छोड़ सकते, अ बॉडी कॉरपोरेट, अ कंपनी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर सोसाइटी, क्लब, फर्म, HUF और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच कैरीज ऑन सच बिजनेस। ये डायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट में कौन कौन आ गए? अ फैक्टर, अ ब्रोकर, अ कमीशन एजेंट, अ डेल क्रेडर एजेंट और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एंड वेदर ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन एज हेयर इन बिफोर मैंशनड और नॉट। अब चाहे वो फैक्टर लोकल अथॉरिटी हो, चाहे वो फैक्टर या ब्रोकर HUF हो, चाहे वो फैक्टर या ब्रोकर इंडिविजुअल हो, अब चाहे वो फैक्टर या ब्रोकर फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है, वही लिखा है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, अ फैक्टर ब्रोकर कमीशन एजेंट डेल क्रेडर एजेंट और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एंड वेदर ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन जो ऊपर दिया हुआ है एज हेयर इन बिफोर मेंशनड, हेयर इन बिफोर जहाँ लिखा है उसको अंडरलाइन करके एक निशान ऊपर की ओर ले जाओ फर्स्ट कॉलम में, उसमें HUF, AOP, BOI, फर्म, इंडिविजुअल सब आ जाएंगे, कंपनी वगैरह, हाँ या ना, किसी भी फॉर्मेट में हो। वो कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ, जो कैरी करता है बाइंग, सेलिंग, सप्लाइंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी गुड्स बिलोंगिंग टू एनी प्रिंसिपल, दलाल हो, क्या हो, अब एजेंट हो, कमीशन एजेंट हो, ब्रोकर हो, फैक्टर हो, डेल क्रेडर एजेंट हो, दलाल का ही तो काम कर रहे हो, किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर, वही लिखा है लास्ट में, बिलोंगिंग टू एनी प्रिंसिपल वेदर डिस्क्लोज्ड और नॉट। अब कभी कभी प्रिंसिपल कहता है देख सामान तू बेचेगा, बताएगा नहीं मेरा नाम, चाहे मुझे डिस्क्लोज करो चाहे मुझे डिस्क्लोज ना करो। क्लियर है? अभी तक दो तरह के हम लोगों ने देखे, डीलर एंड इंक्लूड्स में लोकल अथॉरिटी, HUF, AOP, BOI, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, HUF, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो काम करते हैं सप्लाइंग का, बाइंग का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का किसी गुड्स के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर है? पैर अंदर करो। दूसरा, अ फैक्टर, अ ब्रोकर, अ मर्केंटाइल एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट या कोई भी एजेंट जिसको किसी भी नाम से पुकारा जाए, ठीक है, जिसका कोई भी स्टेटस हो, जो मैंने अभी भी बताया, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, किसी भी काम से हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, जो किसी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सामान को सेल करता है। तीसरा, ऑक्शनियर, नीलाम करता, चाहे वो डिस्क्लोज्ड हो चाहे वो हिडन हो, बात वही है, सेम वही चीज़। एन ऑक्शनियर हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सेलिंग और ऑक्शनिंग गुड्स बिलोंगिंग टू एनी प्रिंसिपल वेदर डिस्क्लोज्ड और नॉट, वेदर द ऑफर ऑफ द इंटेंडिंग परचेज इज एक्सेप्टेड बाय हिम और बाय द प्रिंसिपल और अ नॉमिनी ऑफ द प्रिंसिपल। फालतू की बात है, क्लियर है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर यह काम करे, चाहे वो डिस्क्लोज हो चाहे डिस्क्लोज न हो, दैट्स इट। पढ़ें इसको, फिर से पढ़ें। डीलर की डेफिनेशन देख ली हम लोगों ने, जरा देखें तो आगे दो एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं। अब इसमें भी एक्सप्लेनेशन, इसने एक्सप्लेन किया है इन्हीं चीज़ों को जो अभी आपने पढ़ा है, उसको थोड़ा और इलेबोरेट किया है। डीलर, एवरी पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट, कोई भी बंदा जो एजेंट की तरह काम करता है, हम पार्ट नंबर टू की बात कर रहे हैं, जो डेफिनेशन में एंड इंक्लूड्स में पार्ट नंबर टू था। एवरी पर्सन हु एक्ट्स एज एजेंट इन एनी स्टेट ऑफ अ डीलर रिजाइडिंग आउटसाइड दैट स्टेट एंड बायस, मैं एजेंट हूं, मैं एक स्टेट में काम करता हूं, ये मेरा डीलर, ये मेरा प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल जो आउटसाइड स्टेट रहता है, और मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपने इस स्टेट में इसका सामान ले करके। फिर से पढ़े, एवरी पर्सन हु एक्ट एज एन एजेंट, यानी मेरी बात हो रही है, हु एक्ट एज एन एजेंट इन एनी स्टेट, मैं किसी स्टेट में हूँ, ऑफ अ डीलर रिजाइडिंग आउटसाइड स्टेट, लिखा हुआ है उस स्टेट के बाहर का डीलर है,
एंड बाइज, मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, सप्लाई करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स इन द स्टेट और एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सच डीलर, इसके बिहाफ पर। कौन बिहाफ, किसके बिहाफ पर? इसके बिहाफ पर, जो डीलर है, जो आउटसाइड स्टेट रहता है और मैं इस स्टेट में रहता हूँ, मैं एजेंट हूँ। अब क्लियर है मेरी बात हो रही है? एज अ मर्केंटाइल एजेंट, मैं मर्केंटाइल एजेंट हूँ। एज एन एजेंट फॉर हैंडलिंग ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल रिलेटिंग टू द गुड्स, मेरे पास उस गुड से संबंधित स्वामित्व के कागज हैं, पेपर्स हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल का मतलब होता है स्वामित्व के पेपर होना, मालिकाना हक के पेपर होना। एन एजेंट फॉर हैंडलिंग ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स एंड सॉरी और एन एजेंट फॉर द कलेक्शन और द पेमेंट, या तो मुझे इसने अधिकार दिया पैसा कलेक्ट करो जहां जहां मैंने सामान बेचा है, या पेमेंट करो, ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स और एज अ गारंटर ऑफ सच कलेक्शन और पेमेंट एंड एवरी लोकल ब्रांच और ऑफिस इन द स्टेट ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड, छोड़ दो उसको, ठीक है। यानी मुझ जैसे बंदे को भी क्या माना गया है? एजेंट। अगर मैं एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ एक स्टेट में, इसके बिहाफ पर, डीलर के बिहाफ पर जो किसी दूसरे स्टेट में है, और इसके बिहाफ पर मैं सामान को खरीद रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और काम कर रहा हूँ एज अ मर्केंटाइल एजेंट, मैं काम कर रहा हूँ एन एजेंट ऑफ हैंडलिंग ऑफ द गुड्स एंड होल्डिंग द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू दैट गुड्स, एंड थर्ड एंड और क्या तीसरा, या तो मुझे पेमेंट कलेक्ट, पेमेंट देने के लिए, पेमेंट कलेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया हो। जरा आगे देखें, एक्सप्लेनेशन नंबर टू, अ गवर्नमेंट विच वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, गवर्नमेंट किसकी बात हो रही है? अ गवर्नमेंट विच वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बाइज, सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स डायरेक्टली और अदरवाइज फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट्स और फॉर कमीशन, रिमनरेशन और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन शैल एक्सेप्ट इन रिलेशन टू एनी सेल सप्लाई, छोड़ दो, यानी गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने एजेंट माना है, ठीक। अब एक काम करते हैं, डीलर की डेफिनेशन समझ में आई थी, कोई दिक्कत था? आपके स्टडी मैट के सबसे लास्ट टॉपिक पर दौड़ते हैं, जो दिया हुआ है पेज नंबर 1.120, जहां पर सीएसटी खत्म हो रहा है। पहले उस टॉपिक को समझ लेते हैं, क्या डिफाइन किया गया है। हाँ, सबसे लास्ट पेज पर गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है ना, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, देखा जाए ये क्या हैं, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस या डिक्लेयर्ड गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर्ड गुड्स बोला है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर्ड गुड्स बोला है और साथ साथ कहा है एप्रोप्रिएट स्टेट को। एप्रोप्रिएट स्टेट वो होता है जहाँ से सामान मूव करता है, जहाँ पर सेलर बैठा होता है, याद होगा, जहाँ से मूवमेंट होता है वहाँ टैक्स लग जाता है, बताया था ना। तो जिस स्टेट में से ऐसा मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम कभी कभी एप्रोप्रिएट स्टेट्स भी बोलते हैं। तो कहा गया डिक्लेयर्ड गुड्स, क्या कहा गया? गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, क्या कहा गया? डिक्लेयर्ड गुड्स, क्या कहा गया? गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। ये स्पेशल इंपॉर्टेंस किनको दी गई है, जरा नीचे देख लेते हैं, पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। पहले हम ये समझ लें कौन कौन से वो गुड्स हैं जिनको स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है। देखा जाए, पहला दिया हुआ है सीरियल्स। क्या है ये सीरियल्स, क्या होता है? कोई भी फसल, कोई भी फसल जो घास टाइप में होती है ना, ग्रो करती है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, इस तरह की जितनी भी फसलें होती हैं वो सारी की सारी, बोलो, ये गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस हैं। ये क्या है? गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। कोल, जिसमें शामिल है कोक लेकिन शामिल नहीं है तारकोल, ठीक है। कॉटन, कॉटन फैब्रिक्स, कॉटन यार्न, क्रूड ऑयल, ऑयल सीड्स, जूट, आयरन स्टील, पल्सेस, मैनमेड फैब्रिक्स, शुगर एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर डोमेस्टिक यूज, ये इतनी चीज़ें हैं जिनको हम गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
या डिक्लेयर्ड गुड्स बोलते हैं, बोल सकते हो नहीं बोल सकते? ये डिक्लेयर्ड गुड्स या गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट ने केवल इन्हीं की लिस्ट बनाई है पूरी। पहला हम लोगों ने देखा सीरियल्स, दूसरा कॉटन, कॉटन यार्ड्स, कॉटन फैब्रिक्स, मैन मेड फैब्रिक्स, शुगर, आयरन स्टील, जूट, पल्सेस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस फॉर डोमेस्टिक यूज। ये सारी चीज़ें क्या हैं? गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये रूल थोपा कि ये गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस हैं बेटा, तुम्हारे स्टेट में किसी भी कीमत पर। किसने बोला? किसको बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया कि ये गुड्स स्पेशल इंपॉर्टेंस के हैं, तुम्हारे स्टेट में किसी भी कीमत पर इन गुड्स पर 5% से ज़्यादा का टैक्स नहीं लगेगा। क्या बोला? क्या बोला? कि तुम्हारे स्टेट में किसी भी कीमत पर, दैट इज़ योर ओन मैटर, आप उसमें 1% रखते हो, 2% रखते हो, 3% रखते हो, 4% रखते हो, 5% रखते हो, 0 रखते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी कंडीशन में इन गुड्स पर आप जो रेट तय करेंगे वो किससे ज़्यादा ना हो? 5% से। अब क्लियर है? बोलो, अब क्लियर है? पढ़ते हैं इसको। Empowers the Parliament, this article empowers, article कहाँ का? Constitution का। Article empowers the Parliament to declare some goods as goods of special importance and to impose a restriction and conditions with regard to power of the state. Power of the state को restrict करता है, underline कर लो restriction और state word को। Pertaining to levy, rates and other incidents of tax on such goods, केवल rates को नहीं, levy पर भी। Thus, Parliament can restrict the power of state to tax such declared goods. इन goods पर tax लगाने को restriction लगा सकता है central government, किसके ऊपर? State government के ऊपर। State government cannot levy tax within the state on these goods exceeding 5%. सोचो, अगर कोई स्टेट का इंट्रा स्टेट ट्रेड है, एक ही स्टेट में एक सिटी का बंदा दूसरे बंदे को सामान भेज रहा है, बेच रहा है, तो भी वहां पर स्टेट गवर्नमेंट 5% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा पा रही। सोचो, ये किसके कारण है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस के कारण। इसीलिए इस तरह के गुड्स को गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस या डिक्लेयर्ड गुड्स कहा जाता है। क्लियर है? State government cannot levy taxes within the state on these goods exceeding 5% if declared goods are sold interstate tax. Tax paid within the state. ओहो, बाद में देखते हैं क्या है। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। नीचे देखें सबसे लास्ट में, restriction imposed on the tax imposed on the declared goods. Restriction को impose किया गया है, restriction लगाए गए हैं किन पर? कि अगर आप डिक्लेयर्ड गुड्स पर टैक्स लगाएंगे तो। डिक्लेयर्ड गुड्स पर टैक्सेशन के इम्पोज पर भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं। ठीक है, क्या रेस्ट्रिक्शन है? अभी तो मैंने एक बता दिया, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखें कहानी क्या है। सेल्स टैक्स विद इन द स्टेट नॉट टू एक्सीड 5%, हो गया? हो गया, पहली कंडीशन तैयार है। दूसरा, सेल्स टैक्स इम्पोज विद इन द स्टेट इफ गुड्स सोल्ड इंटर स्टेट सब्सिक्वेंटली, अगर ये सामान इंटर स्टेट में बेचा जाता है जो गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? उसके लिए बताया है पूरी डिटेल। भाई, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब क्या? इंट्रा स्टेट ट्रेड होगा तो 5% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाओगे। स्टेट गवर्नमेंट को बोला है वैट लगाने के लिए, 5% से ज्यादा वैट नहीं लग सकता। तो हम तो वो पढ़ ही नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट थोड़ी पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस के केस में ये चीज़ जानना जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट भी 5% से ज़्यादा का टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन अगर ये इंटर स्टेट सेल्स हो तो क्या करें? क्या करें? जरा देखें। इफ अ टैक्स इज लेविड ऑन सेल्स और परचेज ऑफ एनी डिक्लेयर गुड्स इन साइड अ स्टेट एंड द सेम कॉमोडिटी इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स एंड इज सब्जेक्टेड टू CST, और अगर उस पर CST लगता है, अगर उस सामान पर CST लगता है, अगर इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है तो जाहिर सी बात है CST लगेगा।
और अगर उस पर CST लगता है, द सेल्स टैक्स पेड बाय विद इन द स्टेट रियलाइज्ड प्रीवियसली इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉमोडिटी इज रीइंबर्स्ड। अगर सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया गया था, क्या किया गया था उस स्टेट में सामान खरीदने और बेचने पर, तो ये सेल टैक्स जो प्रीवियसली रियलाइज किया गया था उसको रीइंबर्स करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस है, स्टेट में 5% नहीं लगा सकते जब सेंट्रल गवर्नमेंट इतना इम्पोज कर रही है, इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट पर, तो क्या सेल हुई स्टेट के अंदर उस पर टैक्स लग गया, अब स्टेट के बाहर सेल करोगे फिर टैक्स लगाओगे? अरे अपने ऊपर तो एग्जेम्पशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे के ऊपर लगा रहे हो, अपने ऊपर छोड़ दे रहे हो, चोरी मत करना हम करेंगे। अरे ये कौन सी बात होती है, टैक्स मत लेना अपने आदमी से हम लेंगे, ये कौन सी बात होती है, तुम तो हमारी माई बाप हो, तुम टैक्स लेने के लिए तैयार हो, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो तुमने अगर हमको रोक रखा है कि 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते, अब अगर जब टैक्स होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जो टैक्स लिया गया था वो वापस करो। सामने वाले से ज़्यादा टैक्स क्यों ले रहे हो भाई, अब बात समझ में आई नहीं आई? तो जो टैक्स प्रीवियसली रियलाइज किया गया था उसको वापस करो, रीइंबर्स किया जाएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विच सब्सिक्वेंटली बिकेम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इंटरस्टेट सेल अनलेस ही हैज एक्चुअली पेड, हो ढंग से सुनना, द सेड रीइंबर्समेंट, जो ये रीइंबर्समेंट होगा वो दो कंडीशंस के कारण होगा, पहला कि CST पेड कर दिया गया हो, हाँ या ना, द टैक्स ऑन द इंटर स्टेट सेल, अंडरलाइन कर लें, हमेशा कन्फ्यूज रहोगे किस टैक्स की बात कर रहा है, CST अगर पेड हो गया तो जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था उसको वापस करो जिससे लिया गया था, अब क्लियर है, कोई एक टैक्स दोगा देगा ना, दोनों कैसे लोगे उससे, अब स्पेशल इंपॉर्टेंस का गुड्स है, तो CST अगर आ चुका है तो पहले वाला टैक्स वापस करो, तो इसीलिए मैंने अंडरलाइन करवाया इंटरस्टेट सेल्स। दूसरी कंडीशन, मस्ट बी इन द सेम फॉर्म, उसका फॉर्म चेंज ना हो, पल्स पल्स रहें, मैनमेड फैब्रिक्स उसी फॉर्म में हो, मैनमेड फैब्रिक्स, आयरन एंड स्टील उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में टैक्स लिया गया था स्टेट गवर्नमेंट से, अब क्लियर है, उसका फॉर्म चेंज ना, अब क्लियर। लिस्ट बता सकता है कोई बच्चा, लिस्ट क्या क्या है, पहला, हाँ बताओ शुभम, लिस्ट बताओ स्पेशल इंपॉर्टेंस की, सीरियल्स क्या होते हैं भाई, सीरियल्स क्या होती है जो आते हैं रात में 9 से 12, हाँ बताओ क्या होते हैं सीरियल्स, तुम बताओ अबू विमल, तुम्हारा नाम विमल है, हाँ बोलो बाबू, जो फसलें होती हैं, जो ग्रास के टाइप की फसलें होती हैं उनको हम सीरियल्स बोलते हैं, ठीक है, बैठो तुम ना बैठो, हाँ बोलो आगे, मैनमेड फैब्रिक्स, अरे कॉटन, कॉटन यान, कॉटन फैब्रिक्स, मैन मेड फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में ही चार आ गए, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, शुगर हो गए, आयरन स्टील हो गया, जूट हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गई जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होती है, बस बात खत्म, इतने मेन हो गए, यही तो है गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस के। बैठो 2 मिनट देते हैं आपको, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस पूरा पढ़ें और हमें बताएं। हो गया होगा, हम जानते हैं आप लोगों ने मन से पढ़ाई की होगी, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस हो गया। एक और छोटा सा टॉपिक है, जरा इसको देख लेते हैं, SEZ, हम लोग इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा, जानते हो क्या, ये हिंदुस्तान है, क्या है, ऐसा तो देखा नहीं होगा, सुन लो, नहीं हम कलाकार नहीं है, छोड़ दो, इस इंडिया में यहाँ पर एक हिस्सा मैंने बना दिया SEZ का, मैंने क्या, गवर्नमेंट ने, जिसको हम लोग कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जब कोई एरिया डिक्लेयर होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का तो मान लिया जाता है अब ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है,
अब हिंदुस्तान पर पूरे रूल लगेंगे, इनकम टैक्स के, सर्विस टैक्स के, वैट के, सीएसटी के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं लगेगा क्योंकि इसको हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते। टैक्स फ्री जोन होता है, कौन सा जोन होता है, और अगर इस एरिया में आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बिना टैक्स के सामान खरीद सकते हैं, बिना टैक्स के सामान बेच सकते हैं। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, अगर यहाँ सामान बेचा जाए तो मान लिया जाता है ये इम्पोर्ट हो गया, यहाँ के लिए एक्सपोर्ट हो गया, हमने क्या किया सामान, और अगर यहाँ से सामान खरीदा जाए तो मान लिया जाएगा क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया, है हिंदुस्तान के अंदर लेकिन माना जाएगा ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो गया। सीएसटी का रूल नहीं लगेगा यहाँ पर, क्या नहीं लगेगा, देखें, अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ढंग से देखें, इज अ ज्योग्राफिकली बाउंड जोन वेयर द इकोनॉमिक लॉज रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स आर मोर लिबरल एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज, दीज आर लाइक अ सेपरेट आयरलैंड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सेपरेट आयरलैंड माना जाता है इंडिया के अंदर होते हुए भी, लिखा है ना, SEZ आर प्रोजेक्टेड एज ड्यूटी फ्री एरिया, टैक्स फ्री जोन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ऑपरेशन ड्यूटी एंड टैरिफ, बताया, SEZ इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर ऑल टैक्स पर्पजेस, लिखा हुआ है, SEZ इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर ऑल टैक्स पर्पजेस, ये नहीं कि तुम लोग वहां चले गए तो कहो हम तो विदेश आए हैं, वो नहीं, घर आकर कहो हम तो आज क्या फॉरेन टूर करके आए, वो वाला हिसाब किताब नहीं, केवल टैक्स के पर्पज से मैं बता रहा हूं यहां पर। विद इन SEZ अ यूनिट में बी सेटअप फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, देखो वही चीज, SEZ घूमने फिरने के लिए नहीं है, SEZ अ यूनिट में बी सेटअप फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड अदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग असेंबलिंग ट्रेडिंग रिपेयरिंग रिकंडीशनिंग मेकिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ज्वेलरी एक्सेट्रा, कोई भी आप बिजनेस करो, एज पर लॉ SEZ यूनिट्स आर डीम्ड टू बी द आउटसाइड द कस्टम टेरिटरी ऑफ इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज कमिंग इन टू SEZ फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया और DT आर ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, अगर यहां से सामान इसके अंदर गया तो बेटा समझ लो एक्सपोर्ट कर दिया तुमने, आर टू बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, एंड द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द SEZ टू द DTA, DTA का मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिक बाकी सबको हम DTA बोलते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया आर ट्रीटेड एज इम्पोर्ट इन टू इंडिया, अगर आप यहाँ से सामान खरीदते हो तो बोलो इम्पोर्ट किया, ट्रीट किया, इम्पोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, अगर वहाँ सामान गया तो एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा है लेकिन माना नहीं जाता, ठीक है, वो सेपरेट आयरलैंड की तरह ट्रीट किया जाता है, पक्की बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग SEZ की बात करेंगे, एग्जेम्पशंस की बात करेंगे, नहीं मिला पेज, पेज नंबर 1.119, थैंक यू बच्चों।